सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की, जहां पर लाडवा में हर साल की तरह इस बार भी कलाकृति का आयोजन किया गया, जिसमें 20 राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के लगभग 600 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, टैटू मेकिंग, फेस पेंटिंग सहित कई प्रतियोगिताएं करवाई गई। वहीं कार्यक्रम में समाज सेवी पवन सिंघल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, तो वहीं वरिष्ठ अतिथि के तौर पर मुकेश गर्ग और विकास बंसल ने शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी विजेता बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जी, जो आज लाडवा के बाबा बंसल आश्रम के अंदर यह कार्यक्रम करवाया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोटरी रोट्रैक और इनरविल क्लब लाडवा की तरफ से जो एक कलाकृति 2019 का आयोजन किया गया है, जिसमें 8 प्रतियोगिताएं शामिल हैं, रंगोली, मेहंदी, पेंटिंग, राखी मेकिंग, फेस पेंटिंग, टैटू मेकिंग, नेल आर्ट और मेहंदी। ये 8 प्रतियोगिताओं में 20 विद्यालयों के लगभग 600 बच्चे इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग ले रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों की प्रतिभा को निखारना। लगभग 10 साल से पिछले हम ये प्रोजेक्ट करते आ रहे हैं और हर साल 500-600 बच्चा इसमें प्रतिभाग लेता है। इसका उद्देश्य हमारा यही है कि जो बच्चों के अंदर छुपा हुआ टैलेंट है, जो वो अंदर टैलेंट लेकर आए हैं, उसको निखार सके, उनके अंदर जो पेंटिंग की प्रतिभा है, जो कलाकृति की प्रतिभा है, उसको बार बार वो अभ्यास करके और इन अच्छी स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के उस प्रतिभा को निखारा जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ रोटरी रोट्रैक्ट और इनरविल इस प्रोजेक्ट को करता आया है।